जय हिंद दोस्तों। जेसीओ वार आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, वैकेंसी निकली हुई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें जेसीओ और ओआर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें ऑफिस असिस्टेंट, सहायक और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो बता दें, ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये 15 साल सर्विस होनी चाहिए और डीजीआर की तरफ से निकली हुई है। डीजीआर ने भूतपूर्व सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाली हुई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और आप देख सकते हैं जेसीओआर के लिए लिखा है। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजर की पदों पर वैकेंसी है, नोटिफिकेशन इधर से देखेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है और सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी और भी कई पदों के पर वैकेंसी है। तो मेन मेन मैं नोटिफिकेशन अभी एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक तरफ से शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें ग्रुप सी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है एमटीएस की, जिसमें पे लेवल 1 मिलेगा, बेसिक पे रहेगा 18,000 पर मंथ, बेसिक है ये। और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब रहेगी, ध्यान रखें। इसके बाद इसमें काम क्या रहेगा वो भी बता देते हैं। तो जॉब फंक्शन में फिजिकली मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको उनका देख रेख, यानी कि कैरिंग ऑफ फाइल, फाइल एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पूरी बिल्डिंग में विद इन ए बिल्डिंग, तो ये काम रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम रहेगा। इसमें कई तरह के काम हैं और भी दिए हुए हैं, कई पद हैं, इसलिए कई पदों पर काम है तो इसलिए अलग अलग पद दिए हुए हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए, अगर भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास होना चाहिए, या अगर कोई आईटीआई वाला है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें और लिखा है, यानी कि मैट्रिक पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और का मतलब है या आईटीआई हो या मैट्रिक 10th पास हो, दोनों में कोई अप्लाई कर सकता है। जॉब लोकेशन कानपुर रहेगा। और एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। 13 जून 2022 तक अप्लाई करें। इनकी डीजीआर की जो डीजीआर का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका फॉर्म भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी वैकेंसी देख लेते हैं। जो वैकेंसी निकली हुई है, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली हुई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी काफी अच्छी है, 40,000 से 60,000 पर मंथ मिलेगी। और इसमें बता दें कि आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी कि सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इसमें वैलिड है। अगर 15 साल सर्विस की है, सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी हैं सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। इसमें बता दें कि एकमेंडेशन भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा, अन्य बेनिफिट भी मिलेंगे। इसमें पूरा क्लियर दिया हुआ है। 9 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इनकी डीजीआर का ईमेल एड्रेस ये दिया हुआ है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर लें। तो डीजीआर में अप्लाई करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड का आपको स्टाम्प होना जरूरी है, जो फॉर्म आप भरेंगे। एक फॉर्म भी मैं दिखाऊंगा बाद में, वो फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं डीजीआर वाले। इसके बाद नेक्स्ट है ओपी जिंदल की दूसरी वैकेंसी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। इसमें मेल के लिए नर्स, स्टाफ नर्स मेल चाहिए। 25,000 से 40,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसमें मांगा गया है जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। तो 5 वैकेंसी हैं, इसमें 9 तारीख तक अप्लाई कर लें अगर किसी के पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग से है तो। नेक्स्ट वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी, सिक्योरिटी मैनेजर की वैकेंसी है। ये सिक्योरिटी मैनेजर की जेसीओ ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ है इंटर कॉन शिपिंग कंपनी की तरफ से है। मिडिल मैनेजमेंट का काम रहेगा। 60 से 70,000 पर मंथ, 60 से 70,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें बता दें फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का काम, सिक्योरिटी फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आर्मी की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इसमें वैलिड है। एन एक्स सर्विसमैन विद जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ रैंक के होने चाहिए, इसमें जेसीओ रैंक के, और गुड कमांड एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको पढ़नी आनी चाहिए। 10 से 15 साल की सर्विस होनी चाहिए मिनिमम। दिल्ली, साउथ दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। 45 से 50 साल के जेसीओ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है और 9 जून लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली हुई है,
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की है, पे लेवल 6 मिलेगा, 35,000 से 1,12,000 पर मंथ। और बता दें कानपुर में जॉब लोकेशन रहेगा, लेकिन इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री है होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और कानपुर में जॉब लोकेशन रहेगा, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो कानपुर में है वहां पर जॉब लोकेशन रहेगा। इसका मैंने इसलिए बना दिया कि कई कोई अगर मास्टर डिग्री जिनके पास है केमिस्ट्री से और बायो से तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अभी है ओपी जिंदल की, और भी वैकेंसी है स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर के पदों पर। ग्रॉस सैलरी जो मिलेगी 40,000 से 60,000 पर मंथ मिलेगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम, यानी कि सेना की ग्रेजुएशन 10th पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एकमेंडेशन मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस अदर बेनिफिट मिलेंगे। 9 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। अभी बता दें कि इसके सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म जो होगा इसका ऑफलाइन, जो ऑनलाइन जो ईमेल के थ्रू फॉर्म भेजेंगे उसको भर के भेजना पड़ता है, तो उसका फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर लें। डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में ही मिलेगा, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर लें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो एक्स सर्विसमैन के मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय।